श्रीकाल फ्रेंड्स, मैं गुरमीत कौर, पिंड पंजाब के चैनल पर तुहाडा स्वागत है। अज मैं थोड़ा एक सेंटर सरकार की स्कीम बारे जानकारी देनी सी। उंज तो स्कीम है जी पिछले दो साल तो चली आ रही है, पुरानी है, मतलब कि 1 जनवरी 2017 की है, परंतु जिन्हों पता नहीं वास्ते तो नवी है, जिन्हों पता है वो ठीक है। यह स्कीम हैगी है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिन्हों पर शॉर्टकट कह दें PMY की स्कीम। इस स्कीम के अंडर फ्रेंड्स जी भी लेडी जी का पहला बच्चा हैगा वो इस स्कीम का लाभ ले सकती हैगी। इस दे वास्ते जिहड़े इह फार्म आउंदा हैगा PMY का, जिसनों असी अपने एरिए दे अंडर जिहड़ी भी आंगनबाड़ी वर्कर पैंदी आ उसके कोल असी जाके भरा सकते हैं, तो सरकार तो स्कीम का इसका लाभ ले सकते हैं। ये वास्ते कुछ शर्तां ने फ्रेंड्स, जिहड़ा सानूं समान चाहिए वो मैं तुहानूं दसदी आ। इहदे वास्ते इक लेडी का आधार कार्ड चाहिए, उसके हसबैंड का आधार कार्ड चाहिए हैगा, ते नाल एक बैंक की कापी चाहिए, फोटो स्टेट कापी लगेगी, अकाउंट नंबर जाने कि जिहड़ा अकाउंट नंबर हैगा यह जी लेडीज़ है, प्रैगनेंट लेडीज़ है या जी बच्चे वाली लेडीज़ है जिन्हें यह लाभ लेना, यह जो खाता है बिल्कुल उसके नाम से खुलिया होना चाहिए हैगा। यह बैंक के उसने आपके नाम के उत्ते यह खाता खुलाना गा, तो जोड़ा यह खाता गा यह आधार कार्ड के नाल लिंक होना चाहिए हैगा। जोड़ा भी असी खाता खुला वेले मोबाइल नंबर दें उसी मोबाइल नंबर आपका करैक्ट देना, बिल्कुल उही मोबाइल नंबर यह फार्म के उत्ते फिल होगा। फ्रेंड्स, ये वास्ते कुछ शर्त नेगियाँ वो है ने भी जोड़े भी मतलब के हम डिस्पेंसरी जोड़े थोड़े एरिए अंडर आँदी है, कोई मिनी PHC है या सरकारी हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरी है, जितों भी तुम आपका ट्रीटमेंट करवा रहे होंगे, आपका चैकअप करवा रहे होंगे, उन्होंने बन्ने एक कार्ड जारी किया जाता है। वो कार्ड की फोटो स्टेट कापी भी लगेगी, वो लिखा होंगे रजिस्ट्रेशन की मिति भी जाने के तुम ANM के कोल कदों जाके अपना नाम दर्ज करवाया, तो आंगनबाड़ी वर्कर के कोल कदों अपना नाम दर्ज करवाया। ये थोड़ा चैकअप की मिति लिखी जाऊगी, थोड़े TT बन का टीका फस्ट कदों लग्या, सैकेंड कदों लग्या, यह भरया जाऊगा, जो बिल्कुल असी क्लीयर वो मतलब कि डेट भरनी है, ब्लड डेट आज जो बिल्कुल असी साफ भरना गा, तो कि जो सा फार्म है जल्दी ऑनलाइन हो सके, तो असी इस स्कीम का जल्दी फायदा ले सकी। फ्रेंड्स, तुम मैं सुझा दूँगी फार्म 3 ने ABC, मैं ये पहला जोड़ा ए फार्म है जो थोड़े TT बन का पहला टीका लग गया तुम उदो भर सकते हो, जिहड़ा बी फार्म है जो थोड़ा TT2 का टीका लग गया जाने कि टैटनस का ठी सैकेंड टीका लग गया तुम उदो भर सकते हो, जिहड़ा फार्म सी है जो थोड़ा बच्चा हो गया डिलीवरी होगी उस तो बाद बच्चे के टीके लग गए DP3 जिन्हों हूँ आप पेंटा बोलते हैं पैवलेंट टीका होंगे 3.5 महीनों तो लगता, जो थोड़े बच्चों का टीकाकरण पूरा हो गया तुम अपना यह जे मतलब कि जो सी फार्म है उदो भर सकते हो। जे तुसी लेट भी हो गए तो तुहानू इस स्कीम बारे पता भी नहीं सी तां भी तुसी फार्म भर सकते हो। यह जिहड़ी स्कीम है 1 जनवरी 2017 तो लागू हुई है, यह सेंटर सरकार की स्कीम है, ये अंडर है जो तुहानू 5000 रुपए का मतलब कि लाभ मिलेगा, 5000 रुपए की राशि मिलेगी। फ्रेंड्स, ये वास्ते तुहानू मैं दस दिता भी जो मैं तुहानू सुझाव दिंदी हां तुसी ABC दो फार्म इकट्ठे फिल करो, ABC ये वास्ते थोड़े दोहे टीके लगे होने जरूरी ने, TT1 तो TT2 जिदा जो टीका लग गया थोड़े दो फार्म ने जोड़े आपके भर सकते हो। जे थोड़ा बच्चा हो भी गया तो सी तिने फार्म इकट्ठे भी भर सकते हो, बस बसरते हैं भी जरा बच्चे थोड़े किन्ने जो टीके ने वो लगे होने चाहिए, 3.5 महीने तक थोड़े बच्चे का जो टीकाकरण वो पूरा होना चाहिए, ना जो लगना ये वास्ते सूँ चाहिए बच्चे की जन्म सर्टिफिकेट चाहिए, नाल कापी लाने वास्ते चाहिए, जिहड़ी लेडी उहदे हसबैंड दा आधार कार्ड आ जिहड़ा उहदी फोटो स्टेट कापी लगेगी, लेडी दे आधार कार्ड की फोटो स्टेट कापी लगेगी, बैंक अकाउंट है जिहड़ा तुहाडा उहदी फोटो स्टेट कापी लगेगी, ते नाल जिहड़े टीके लग रहे नेगे तुहानू कार्ड मिलिया होया उहदी फोटो स्टेट कापी लगेगी। फिर थोड़ी जिही गल्लां दा इहदे विच ध्यान रखना हैगा भी जिहड़ा साडा अकाउंट नंबर आ बिल्कुल सही भरिया होना चाहीदा है, ते जिहड़ा बैंक दा IFC कोड है वो बिल्कुल असी सही फिल करना, जे असी IFC कोड नहीं हाथों गलती हो जाती है या ब्रांच कोई भी गलती हो जाती है जो सा फार्म है जो ऑनलाइन नहीं होंगे तो सानू जो सा मतलब कि लाभ असी लाभ मिलता वो उस कोई कोई गड़बड़ी हो जाती है या लेट हो जाता जो सा पैसे नहीं पेंदे। बस ये थोड़ा मैं गल्ला जी दसियां ने तो तुम ये फार्म जाके फिल करवा सकते हो, जे ये संबंध में थोड़ा कोई भी प्रॉब्लम आँगी तो कमेंट सैक्शन के जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, जिन्हें भी मैं फार्म भरे ने मैं ज़्यादातर एक गल नोट करी है, जिहड़े भी लोग एजुकेटड ने उन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने को जो प्रूफ होंगे ने सारे सही होंगे ने, जोड़े लोग बेचारे अनपढ़ ने गरीब ने या घट पढ़े लिखे ने उन्होंने पैसे मिलने जो लाभ मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है क्योंकि उन्होंने प्रूफ ने जोड़े वो सही नहीं होंगे। एक गल ये होर भी है भी जी भी लेडीज़ है
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਸ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਡੈਸ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਵਾਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੀਡੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ IFSC ਕੋਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਰੁਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਓ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ